तो वहीं तिरुपति बालाजी महाराज प्रसाद विवाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है, जहां मनकामेश्वर मंदिर में बाहर के प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामले में मनकामेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर दिव्या गिरी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में कहा कि गर्भगृह में केवल घर का बनाया प्रसाद ही चढ़ाया जाएगा या ड्राई फ्रूट्स चढ़ाए जाएंगे, बाहर का प्रसाद खरीद कर चढ़ाना बंद होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तिरुपति बालाजी महाराज का प्रसाद में जो भी भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो वही श्रद्धालुओं ने भी बाहर के प्रसाद के प्रतिबंध को सही ठहराया है। तिरुपति प्रसाद मामला आज लखनऊ पहुंचा है। मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद बाहर से लाने वालों को प्रतिबंध लगा दिया गया है। आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उस पर एक नई पहल किया यहाँ के पीठाधीश्वर दिव्या गिरी महाराज ने। हम उनसे बात करेंगे, ज़्यादा बातचीत में मौजूद हैं। मैडम, ये जो प्रसाद है गुरुदेव, वो किस तरीके से रोक लगाया गया और वजह क्या है इसकी? देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो मिलावटी प्रसाद का मामला आया उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने मंदिर से एक अपील करी है कि जो भी आप प्रसाद लाएंगे अगर वो बाहर से बना है तो हम लोग गर्भगृह नहीं लेंगे। आपको चूंकि ये प्रथम बार सबके लिए होगा, ये आश्चर्यचकित करने वाला विषय है, तो अभी दुकानों पे भी प्रसाद बन चुका होगा या जो लोग आज आए होंगे कल से भी अपनी व्यवस्था कर लिए होंगे, तो आज उनके लिए इतनी छूट है कि आप बाहर से ला सकते हैं तो हम वापस करेंगे और आपको बाहर सीढ़ी से ही टच करके आपको ले जाना पड़ेगा। हम गर्भगृह में विग्रह को या भोलेनाथ को भोग तभी लगाएंगे या स्पर्श हम तभी करेंगे जब आप कुछ घर से बना के लाएंगे, और घर से बने प्रसाद पे भी आपको जो विशेष ध्यान देना है वो बाहर से घी को लाकर प्रसाद नहीं बनाना है। आप खीर बना लीजिए, अगर हलवा यूज करना चाहते हैं तो अपने जो घर से निर्मित स्वयं का घी होगा जो हमारे बड़े घर में बनाते हैं उनसे निर्मित प्रसाद होगा, या फिर आप ड्राई फ्रूट लीजिए उसका पाक कर लीजिए, चीनी या गुड़ में कर लीजिए, ऐसा कुछ अगर आप बना के लाते हैं तो ही हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग जो आप प्रसाद बाहर से किसी भी प्रकार का लाएंगे हम लोग टच करके वापस दे रहे हैं मगर अंदर नहीं जाएगा। आज हम लोग ने ये प्रथम बार है इसलिए इतनी छूट दे रखी है, अन्य दिनों में हम उसको भी बैन लगाने की कोशिश में रहेंगे कि बाहर का प्रसाद ही मंदिर ना आए। अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा कि जो ये घटना हुई है तिरुपति मंदिर में उस पे कैसे कहेंगे, क्या किस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमने 3 दिन पहले ही इस मुद्दे पे बात भी करी थी, हमने अपना पक्ष भी रखा था कि जिन्होंने लोगों के धर्म को भ्रष्ट किया है उनके लिए माफी नहीं होनी चाहिए, निकाल देना ये कोई दंड नहीं है। अगर वहाँ पे ऐसा कार्य किया है और भ्रष्ट करने का कार्य हुआ तो अक्षम्य है, उनको मृत्यु दंड से कम कुछ भी नहीं हो सकता है, वो ऐसा करना चाहिए सरकार को। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। सुना आपने कि मनकामेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर दिव्या गिरी ने ये जो पहल की है और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी जो तमाम मंदिरें देश में हैं उन मंदिरों में भी ऐसी प्रथा लागू की जाए कि बाहर से प्रसाद बना के ना लाया जाए, घर का प्रसाद बना हुआ हो, ड्राई फ्रूट्स हो जो कि प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो तिरुपति बालाजी में जो ऐसे घटना घटित हुई वो क्षम योग नहीं है, वैसे लोगों को मृत्युदंड दिया जाए। करण पवन के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनता टीवी लखनऊ। तिरुपति आस्था यानी प्रसाद मामले को लेकर जो आस्था से खिलवाड़ किया गया है और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर पे बाहर से प्रसाद लाकर चढ़ाना वर्जित कर दिया गया है। महिलाओं से निवेदन की गई है जो श्रद्धालु हैं वो घर से प्रसाद बना के लाए तो ही यहाँ पे गर्भगृह में चढ़ पाएगा। माता जी, जो प्रसाद का जो यहाँ के नियम लगाया गया है, जो दिव्या गिरी महाराज हैं ईश्वर बताई हैं कि घर से प्रसाद बना के लाया जाएगा, बाहर से प्रसाद खरीद कर लाना चढ़ाना नहीं होगा, कैसे देखती है इसको? इसमें हम कुछ भी नहीं देखे हैं, इतने सालों से तो बाहर का ही चढ़ता आ रहा है। क्योंकि तिरुपति बालाजी महाराज का आपके मामला जानकारी होगी कि बाहर के जो जानवरों की चर्बी से प्रसाद बनाता तो उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे नियम लगाया गया है कि अब जो प्रसाद चढ़ाए जाएंगे गर्भगृह में वो या तो घर के बने होंगे या मेवा इस तरह के प्रसाद होंगे। अच्छी पहल है, ये अच्छी पहल है, लेकिन जो ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। ऐसा क्यों नहीं? बुक हर चीजें कुछ टाइम के लिए आती हैं, फिर उसके बाद एक समान सा हो जाए। आप क्या मानती हैं कि जो नियम लगाया गया, शुरू किया गया है महंत दिव्यागिरी महाराज के तरफ से, कितना सही है ये?
ये 100% सही है मेरे हिसाब से, तो ये पहले ही हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं अभी, क्योंकि जब इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, इतना तरीके से हिंदू धर्म सनातन धर्म को किसी न किसी तरीके से नष्ट किया जा रहा है, तो उसका एक ये भी एस्पेक्ट क्लियर है और इसका एक ही उन्होंने बना रखा है दर्शकों की यहाँ पे एक तरीका है किसी इनको उनके भगवान के नष्ट हो जाए, तो ये चीज़ गलत है। और हम भगवान केवल जल के चाहिए, उनको फूल चाहिए, उन्हें प्रसाद की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। मिश्री भोग कृष्ण भगवान जी का, शंकर जी को एक जल लोटा जल काफी है, तो उसमें ऐसी स्थिति में अगर प्रसाद नहीं होता तो चलेगा। बिल्कुल, पहले के जमाने में जो पूजा पाठ होती थी तो पंजीरी चढ़ाया जाता था, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में, तो पहले के बुजुर्गों का ये जो नियम था बहुत सही था, पहले ऐसे प्रसाद नहीं थे। अब फिर से एक बार महंतगिरी महाराज जो है, दिव्यागिरी महाराज, वो नया पहल करने कर रही है, क्योंकि जो आपने देखा होगा तिरुपति महाराज प्रसाद मामले में जानवरों के चर्बी से प्रसाद बना था तो कार्रवाई हुई थी, तो इस तरीके का ऐसे उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए, बहुत अनर्थ है ऐसा, तो मतलब धर्म अधर्म हो जाएगा, और जो है इसके लिए कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए भगवान के लिए। घर से प्रसाद बना के लाने के लिए महंत जी ने कही है, हाँ वही घर से ही लाने के प्रसाद कही है, वही प्रसाद चढ़ेगा, वही बना के लाएंगे, अब जो नहीं मालूम था तो ले लिया, अब नहीं लेंगे, अब घर से ही बनाया हुआ चढ़ाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये आपने श्रद्धालु हैं जो मंदिर में उपस्थित है, मंदिर प्रांगण में उपस्थित है, उन्होंने कहा कि अच्छी पहल है। कैमरा पवन के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनता टीवी, लखनऊ।